वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज। हम डिस्कस कर रहे थे 8th क्लास की एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री बाय विपिन चंद्रा। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, 10 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 11 चैप्टर डिस्कस करेंगे। द एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर वॉचिंग हिस्ट्री फॉक चैनल इन द कोलेबोरेशन विद तैयारी 360। सो आज हम डिस्कस करेंगे द चैप्टर नंबर 11th, नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1923 से लेके 1939 तक। देर इज अ टाइम पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट लगभग 20 साल का तो नहीं है, 20 साल के टाइम पीरियड को कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? दैट इज स्वराज पार्टी एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस, मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स एंड द वर्कर्स, ये है। देन स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, एमरजेंस ऑफ न्यू लीडर्स, द साइमन कमीशन, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मूवमेंट्स इन द प्रिंसली स्टेट्स, कम्युनल पार्टीज एंड देयर रोल, मूवमेंट्स ऑफ द डिप्रेस क्लासेस, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द एक्ट ऑफ 1935 एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये सारे एक्सक्लूसिव टॉपिक्स जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपका 11th चैप्टर है, दिस इज द 11th चैप्टर, दैट इज पेनल्टीमेट चैप्टर। वी आर लेफ्ट विद ओनली टोटल 12 चैप्टर हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। द नेशनल मूवमेंट है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, दीस चैप्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो लेट अस स्टार्ट। कौन कौन से हैं? सो सबसे पहले पोस्ट नॉन कॉपरेशन टाइम पीरियड। पोस्ट नॉन कॉपरेशन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया 1922 में विड्रॉ किया गया। उसके बाद जो है देर वॉज नो नेशन वाइड मास स्ट्रगल, ऑफकोर्स देर वॉज वाइड स्प्रेड डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। कम्युनल राइट्स भी हुए जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो अर्ली 1920s में थी वो नहीं थी। फ्रीडम स्ट्रगल सीम टू सफर अ सेटबैक आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट और आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द मोर पावरफुल स्ट्रगल। तो इसी दौरान क्या हुआ, द कांग्रेस पार्टी, विद इन द कांग्रेस पार्टी देर वॉज टू डिविजन। कांग्रेस पार्टी वॉज डिवाइडेड इन टू टू फ्रैक्शन, वन हु सपोर्टेड द गांधीयन आइडिया ऑफ सस्पेंशन और वन हु सपोर्टेड गांधीयन आइडिया ऑफ मास स्ट्रगल, एंड देर वॉज द अदर ग्रुप जिसको प्रो चेंजर बोला गया। दे बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, दे बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन। उन्होंने बिलीव किया ये जो 1922-23 में इलेक्शन आने वाले हैं हम उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, एंड दैट सेक्शन वॉज नोन एज द प्रो चेंजर। और इन्होंने एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ओके, सो कांग्रेस वॉज डिवाइड इन टू टू ग्रुप्स आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कांग्रेस दो ग्रुप में डिवाइड होगी, ग्रुप लेड बाय सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एज दिस ग्रुप वॉज ऑल्सो नोन एज प्रो चेंजर। ग्रुप लेड बाई वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद अपोज सच काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। दे स्टिल बिलीव इन द गांधीयन मेथड ऑफ स्ट्रगल और इनको बोलते थे दैट वॉज द नो चेंजर। सो 1922 का सेशन होता है गया में, जिसमें लेजिस्लेटिव एंट्री का जो प्रपोजल था उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सी आर दास वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ दिस सेशन, जिसका रिजल्ट यह निकलता है सी आर दास रिजाइन करता है एंड ही डिक्लेयर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन डिक्लेयर की जाती है। स्पेशल सेशन दिल्ली में होता है जिसमें फाइनली स्वराजिस्ट को अलाउ किया जाता है टू कंटेस्ट द फोर्थकमिंग इलेक्शन। अब स्वराज पार्टी का अगर हम रोल देखें तो दिस वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, ही वॉज सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सिग्निफिकेंट रोल इन कीपिंग एंटी प्रोटेस्ट अलाइव, मेड इट डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिश टू गेट लेजिस्लेटिव अप्रूवल, एग्जाम्पल 1928 डिफीट ऑफ बिल टू एक्सपेल नॉन इंडियन सपोर्टिंग द इंडियन फ्रीडम। विथल भाई पटेल बिकेम द स्पीकर, स्पीकर भी बना एंड प्रेजिडेंट ऑफ असेंबली भी बना एंड ही ब्लॉक्ड री इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। इसी दौरान जो है स्वराज पार्टी जब बनी उसी दौरान जो नो चेंजर थे दे कॉन्टिन्यूड विद द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के आइडिया को कंटिन्यू किया। सो गांधी वॉज रिलीज इन फेब्रवरी 1924, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बिकेम द मेजर कांग्रेस एक्टिविटी। की कंपोनेंट्स क्या थे इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के,
दैट इज स्प्रेड ऑफ खादी हिंदू मुस्लिम यूनिटी रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी कंपल्सरी फॉर कांग्रेस मेंबर्स टू वियर खादी एंड स्पिन एटलीस्ट 2000 yards ऑफ यार्न मंथली ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन एस्टैब्लिश खद्दर भंडार्स ओपन नेशन वाइड खादी सीन एज अ की टू द इकोनॉमिक वेलबींग एंड द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मैसेज फाइट अगेंस्ट कम्युनलिज्म गांधीन वर्क अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड ऑफकोर्स खादी बिकम सिंबल ऑफ द मास स्ट्रगल और खादी या चरखा जो है वो सिंबल बन गए। यहां तक इसी दौरान पीजेंट मूवमेंट की बात है तो पीजेंट मूवमेंट की अगर बात करें तो पीजेंट ने लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान अलग अलग किसान सभा बनाई गई थी पीजेंट्स इन मेनी प्लेसेस रिफ्यूजेस टू पे रेवेन्यू एंड रेंट की लीडर्स कौन कौन से हैं बाबा रामचंद्र विजय सिंह पाठक शाहजानंद सरस्वती एन जी रंगा अलूरी सीताराम राजू लेड द रिवोल्ट इन आंध्र प्रदेश एंड किल्ड इन 1924 टू आस्पेक्ट्स पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड एड्रेसिंग ग्रीवियंसिस वल्लभ भाई पटेल लेड द बारडोली सत्याग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट है बारडोली सत्याग्रह इसी सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल भी दिया गया ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार बाय द वुमेन्स ऑफ द बारडोली फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 लिंक पीजेंट्स डिमांड्स विद द फ्रीडम स्ट्रगल देन वर्कर मूवमेंट्स कौन कौन से थे इंडस्ट्रियल वर्कर बिगेन टू ऑर्गेनाइज ये हम क्या बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं 1923 से लेके 1939 तक इंडस्ट्रियल वर्कर्स बिगेन ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी फॉर्मेशन ऑफ मद्रास लेबर यूनियन 1918 इंपॉर्टेंट लीडर्स बीपी वाडिया थिरू वी कल्याण सुंदरम चक्कराई चटियार पायनियर्स ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट कौन थे एन एम जोशी फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 फर्स्ट सेशन प्रेसाइडेड बाय लाला लाजपत राय अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वर्कर्स मूवमेंट एम्ड एट इंप्रूविंग लिविंग कंडीशन क्लोजली लिंक्ड विद नेशनलिस्ट मूवमेंट प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर सी आर दास जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस ये जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी और जो पीजेंट मूवमेंट थी इन पर इन्फ्लुएंस किसका था सोशलिस्ट आइडियाज का ओके वर्कर्स एंड पीजेंट मूवमेंट डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म सोशलिस्ट लीडर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन्फ्लुएंस्ड इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तो सोशलिज्म का आइडिया आ गया था सोशलिज्म के आइडिया के बारे में बात करेंगे सोशलिज्म का आइडिया क्या है इट इज अ पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड द मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो समाजवाद का क्या मतलब है रिसोर्सिस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सो इंडियन रेवोल्यूशनरीज एंड सोशलिज्म आल्सो हैड एन इंपैक्ट एम एन रॉय एक्टिव इन द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ग्रुप इन इंडिया पोस्ट रशियन रेवोल्यूशन की लीडर्स कौन कौन से हैं एस ए ढांगे एम सिंगारा वेलू शौकत उस्मानी मुजफ्फर अहमद कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई 1925 में कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड पीजेंट्स इन्फ्लुएंस अब्रॉड का इन्फ्लुएंस क्या था रशियन रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस था सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट का इन्फ्लुएंस था कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस था तो सोशलिज्म का आइडिया काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ यहां पर ओके देन व्हाट वॉज द इंपैक्ट ऑफ सोशलिज्म ऑन इंडियन यूथ सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड वाइडली अमंग द इंडियन यूथ एंड यंगर नेशनलिस्ट लीडर्स जवाहरलाल नेहरू वॉज अ सोशलिस्ट एम्फेसिस ऑन लिंकिंग द फ्रीडम स्ट्रगल विद द वर्कर्स स्ट्रगल फॉर बेटर लिविंग कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हुई 1924 में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेहरू वर्क विद इन द कांग्रेस टू ऑर्गेनाइज पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन्फ्लुएंस्ड कांग्रेस पॉलिसीज ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल सोशलिज्म का फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या इंपैक्ट पड़ा Rise of peasants and worker movements, growing popularity of socialist idea deeply impacted the freedom struggle. Influence became evident in the subsequent phases of freedom struggle. Then decline ho gaya uske baad socialism ka post First World War decline in the revolutionary activities. Ye hum revolutionary activities ke baare mein karenge. Revolution activities ka decline kaise hua? Kyunki non-cooperation movement start hui. Non-cooperation movement revealed the futility of the violence.
फ्रस्ट्रेशन भी, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट, द यूथ गॉट फ्रस्ट्रेटेड और अगेन से फिर क्या हुआ, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है फिर से रिवाइवल हुआ, एक एसोसिएशन बनाई गई, दैट वॉज नोन एज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में दिल्ली में बनी, फाउंड बाय सचिन सन्याल, योगेश चटर्जी एंड अदर्स। एम क्या था, ऑर्गेनाइजिंग आर्म्ड रेवोल्यूशन और ब्रिटिश रूल को उखाड़ देना। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, ककोरी ट्रेन रॉबरी, तो जिसकी वजह से 4 रेवोल्यूशनरी जो है देवर गिवन डेथ सेंटेंस और चंद्रशेखर आजाद किसी तरीके से इस्केप्ड हो गए। इसी एसोसिएशन का नाम जो है 1928 में चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन रखा गया, सोशलिज्म के इन्फ्लुएंस में आके इसका नाम चेंज कर दिया गया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ होम, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भगत सिंह एंड अदर लीडर्स। 28 में प्रोमिनेंट लीडर वॉज भगत सिंह, एसोसिएशन दिस द मेंबर ऑफ दिस HSRA, दे किल्ड सॉन्डर्स, सॉन्डर्स को मार दिया गया। बाय सॉन्डर्स वॉज किल्ड बिकॉज ही वॉज सपोज टू इन्वॉल्व इन द लाठी चार्ज अगेंस्ट लाला लाजपत राय। इन अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दास थ्रू बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, अरेस्ट एंड हंगर स्ट्राइक, डेथ ऑफ जतिन दास, ठीक है, 64 डे का जो है इसने प्रोटेस्ट क्या बोलते हैं, हंगर स्ट्राइक की। एंड फाइनली द थ्री प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, दे वर हैंग, गिवन द डेथ सेंटेंस ऑन 23rd March 1931। एंड आफ्टर देयर डेथ देयर वॉज कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, हड़ताल एंड प्रोसेशन, ठीक है। अनदर 1930 में अनदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, दैट इज चिटागोंग रेड 1930, ऑर्गेनाइज्ड बाय सूर्य सेन एंड इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, टेम्परेरी सेसेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन चिटागोंग, सब्सिक्वेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वॉज ऑल्सो देयर। की इवेंट्स क्या थे, अटेम्प्ट ऑन पंजाब गवर्नर्स लाइफ बाय हरि किशन, किलिंग ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन बाय बेनॉय बोस, बादल गुप्ता एंड दिनेश गुप्ता, लीडर्स अरेस्टेड, सूर्य सेन, तारकेश्वर दस्तीदार गिवन डेथ सेंटेंस, एंड देर वॉज फीमेल ऑल्सो, दैट इज प्रतिलिता वाडेकर, शी किल्ड हरसेल्फ टू अवॉइड कैप्चर, कल्पना दास सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। देन देर वॉज अगेन चंद्रशेखर आजाद वॉज ऑल्सो किल्ड ड्यूरिंग द अल्फर्ट पार्क, ही किल्ड हिमसेल्फ। तो ओवरऑल इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का इंपैक्ट क्या पड़ा नेशनल मूवमेंट में, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम द नेशनलिस्ट लीडर, रेवोल्यूशनरी इंस्पायर द पीपल, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रेस्ड अवेयरनेस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड करेज रिक्वायर्ड फॉर इंडिपेंडेंस, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रिपेयरिंग द कंट्री फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ स्ट्रगल। तो ये सारा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का इंपैक्ट था किस पे, नेशनल मूवमेंट पे, ओके। देन इसी दौरान जो है देर वॉज राइज ऑफ न्यू लीडर्स, ओके, न्यू लीडर्स का राइज हुआ अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। 1920s में प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, एम्फेसाइज्ड ऑर्गेनाइजिंग द मास्ट एंड क्लैरिफाइंग द मूवमेंट्स एम, स्ट्रेस दैट पीपल अलोन वर सॉवरीन एंड द मूवमेंट शुड रिफ्लेक्ट देयर एस्पिरेशन, एम्ड एट रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन सोसाइटी टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, advocated for the society based on equality and justice achievable through independence, influence of socialist ideas and Russian revolution inspired by anti-imperialistic policies and progress of USSR and popularized socialist ideas strengthening the nationalist movement. तो दो prominent leaders कौन कौन से आए, that was Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, okay. Jawaharlal Nehru was son of Motilal Nehru. He was son of Motilal Nehru. He was educated in England. He was influenced by Gandhi and joined the freedom struggle. Imprisoned during non-cooperation movement, advocated for the people's aspirations and linked their struggle with independence. Highlighted the suffering in the princely states and integrated their struggle into the national movement. Became the most prominent leader after Gandhi. Subhash Chandra Bose was born in Cuttack. 1897. His father was a lawyer with the title of Rai Bahadur. Usko Rai Bahadur ka title mila tha. He was studied in England, selected in Indian Civil Services 1820. Resigned kar diya gaya 21 mein after Jallianwala Bagh incident. Joined the nationalist movement influenced by C.R. Das. C.R. Das was his political guru. Arrested in 1924, was alleged revolutionary activities. Played a key role in organizing student, also known as Netaji. Also known as Netaji. ओके,
दोनों में कॉमन क्या था, दोनों दे बोथ एडवोकेटेड इंटेंस स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, बोथ वर डिससैटिस्फाइड विद द स्लोगन ऑफ स्वराज विच मेंट सेल्फ गवर्नेंस विद इन द एम्पायर, कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन मासेस, देयर इन्फ्लुएंस मेड नेशनलिस्ट मूवमेंट इंक्रीजिंगली मिलिटेंट और अग्रेसिव. देन देयर वॉज अनदर कमीशन दैट इज 1928 में जो है इसको 27 में अपॉइंट किया गया, 1928 में इंडिया में लैंड हुआ, दैट वॉज अ साइमन कमीशन. 27 में अपॉइंट किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या पर्पस क्या था, 1919 के एक्ट को रिव्यू करना, हेडेड बाय सर जॉन साइमन. द कमीशन इंक्लूडेड ओनली इंग्लिशमैन, नो इंडियंस. द एक्सक्लूजन कन्फर्म फियर्स दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नो इंटेंशन ऑफ ग्रांटिंग स्वराज. तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि बायकॉट हुआ थ्रू आउट द कंट्री, स्टार्ट विद मद्रास सेशन. मद्रास सेशन में बायकॉट को जो है पास किया गया रेजोल्यूशन को, मुस्लिम लीग ने भी इसको बायकॉट में पार्टिसिपेट किया. कमीशन 1928 फरवरी में आया, स्पार्किंग नेशनल वाइड हड़ताल, मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल्स व्हेनेवर कमीशन वेंट विद वाइड स्प्रेड पुलिस वायलेंस अगेंस्ट द डिमॉन्स्ट्रेटर. उस साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट का रिजल्ट क्या निकला, लाला लाजपत राय ही वॉज असॉल्टेड बाई द पुलिस एंड ही किल्ड, ज्वाला नेहरू वॉज ऑल्सो इंजर्ड, गोविंद बल्लभ पंत वॉज ऑल्सो इंजर्ड. द यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन पीपल वर एविडेंट ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट. पोलिटिकल डिवेलपमेंट क्या हुई, मद्रास सेशन 1928 में कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल माना, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टू प्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस लाइक ज्वाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस इन लोगों ने किया, और डिमांड रखी गई 1928 में कि अगर साइमन अगर विद इन वन ईयर स्वराज ना दिया गया तो हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. ज्वाला नेहरू एंड बोस दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द आइडिया ऑफ डोमिनियन स्टेटस, और फाइनली 1929 में कांग्रेस एट द लाहौर सेशन पास्ड द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज. ये जो इस एनसीईआरटी में है बड़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, देयर इज अ गैप. जैसे एनसीईआरटी में नेहरू रिपोर्ट का मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में जिना 14 पॉइंट मेंशन नहीं है, जो हम हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं, ठीक है. और ये जो लाहौर सेशन था 1929 में, इसमें कांग्रेस का गोल पूर्ण स्वराज डिस्कस किया गया, और ये भी बोला गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे और 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन की सिग्निफिकेंस क्या थी, क्या सिग्निफिकेंस थी, सिग्निफिकेंट एक शिफ्ट हुआ कंप्लीट विद मोर इंटेंस स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. 26 जनवरी लेटर बिकेम इंडियाज रिपब्लिक डे, वहां पे क्या किया गया, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है. दैट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी, ठीक है, इट इज वेरी कॉमन ऑब्जेक्टिव. फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई, क्यों स्टार्ट की गई, क्योंकि 1930 में डिसाइड किया गया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की जाएगी फॉर वट, टू अटेन पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज अटेन करने के लिए. और फाइनली द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई. गांधी 78 फॉलोअर के साथ निकला, 365 किलोमीटर सफर किया और 6 अप्रैल को पहुंचा दांडी और वहां पे साल्ट लैब रोक किया. दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस की बिगनिंग कैसे हुई, दांडी मार्च से हुई. सो ओवरऑल स्प्रेड कैसे हुआ, डिफाइंस ऑफ साल्ट लॉ वेयर इट वॉज पॉसिबल, मूवमेंट अलग अलग जगह फैली. जैसे सी राजगोपालाचार्य ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया वेदरयान से इन तमिलनाडु, सरोजनी नायडू ने जो है साल्ट मार्च की कहाँ पे, दैट इज दर्शना एरिया में, दर्शना एरिया में, ठीक है ना. नॉन वायलेंट सत्याग्रही फेस ब्रूटल लाठीचार्ज, 300 वर इंजर्ड, 2 वर किल्ड दर्शना में. नेशनल वाइड प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हड़ताल बायकॉट, लीडर्स अरेस्टेड, कांग्रेस वॉज बैन, देर वॉज फायरिंग, 1000 वर इम्प्रिजेंट इंक्लूडिंग खान अब्दुल गफार खान जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मूवमेंट को लीड कर रहा था. अनदर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, गढ़वाली सोल्जर्स रिफ्यूज टू ओपन फायर एट पेशावर विच रिफ्लेक्ट ग्रेट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अपराइजिंग इन शोलापुर इन रिस्पॉन्स टू गांधीयन अरेस्ट. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है जो 1930 से लेके 34 तक चली, इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट मूवमेंट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ दैट टाइम, ठीक है. इसी दौरान फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई
इट वॉज रिजेक्टेड बाई द कांग्रेस, कांग्रेस ने बाइकॉट किया, लेकिन बड़े सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस को प्रपोज किसने किया था? साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन ने बोला था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस करी जाए, ठीक है। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, कब? मार्च के महीने में 1931। इस पैक्ट में दोनों पार्टीज ने, गांधी ने एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया। जैसे गांधी ने बोला कि ही विल अटेंड द नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा। और इसी दौरान कांग्रेस का एक सेशन हुआ कराची में, दैट वाज अ स्पेशल सेशन, जिसमें अप्रूव किया गया पैक्ट एंड एग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और फाइनली सेकेंड गांधी ने जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, लेकिन इसका कुछ निकला नहीं। यहां तक इस गांधी कराची का पैक्ट का सवाल है। इट वॉज वेरी वेरी हिस्टोरिकल, इट वॉज प्रिसाइडेड बाई वल्लभ भाई पटेल, अगेन इट वॉज अ स्पेशल सेशन, एनुअल सेशन नहीं था। इसमें दो रेजोल्यूशन पास किए गए, वन ऑन फंडामेंटल राइट एंड अदर ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी। इट फंडामेंटल राइट में गारंटीड राइट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, फेवर्ड नेशनलाइजेशन, प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, वेलफेयर स्कीम फॉर वर्कर्स एंड पीजेंट्स, शोड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म ऑन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ओके, देन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड इन अ फेलियर, अटेंड होगी, फेल होगी, क्यों? ऑन द कम्युनल क्वेश्चन पे लेके, दैट कम्युनल इलेक्टोरेट वॉज डिमांडेड बाई द लोअर कास्ट और द डिप्रेस क्लासेस और बाई द बी आर अम्बेडकर। इस मुद्दे को लेके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सितंबर के महीने में 1931 में हुई थी, इट वॉज एंडेड इन अ फेलियर। ओके, गवर्नमेंट सप्रेशन वॉज कंटिन्यू, मोर देन 1 लाख पीपल वर जेल्ड। कांग्रेस ने एक यहाँ पे डिमांड की, डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा? मोबिलाइज्ड वास्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द सेकेंड ग्रेट मास स्ट्रगल। पहली कौन सी थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी दौरान द मूवमेंट्स इन प्रिंसली स्टेट वॉज ऑल्सो बिकेम पॉपुलर। वट वॉज द बैकग्राउंड? इंडियन स्टेट अंडर प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट एंड दे वर मेंटेन बाय द ब्रिटिश टू स्ट्रेंथन देयर पावर। देर वर अबाउट मोर देन 562 प्रिंसली स्टेट्स कवरिंग 1/5 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कंडीशन ऑफ दीज स्टेट्स वर ऑफन वर्स देन द ब्रिटिश रूल टेरिटरी। रूलर्स लेड लग्जरियस लाइफ, नेगलेक्टिंग एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। प्रैक्टिसेस लाइक फोर्स्ट लेबर वॉज वेरी मच कॉमन। तो जिसका रिजल्ट ये निकला, नेशनल मूवमेंट जब चल रही थी, यहाँ पे भी पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई। देर वॉज ऑल्सो द पॉलिटिकल अवेकनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। द राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया लेड टू एन अवेकनिंग अमंग द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट। दे डिमांडेड डेमोक्रेटिक राइट्स, रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट एंड रूलर्स, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड एन एंड टू द रूलर्स ऑपरेशन। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रजामंडल। प्रजामंडल क्या थे? जो प्रिंसली स्टेट्स में पॉलिटिकल एसोसिएशन थी। अर्ली प्रजामंडल्स वर फॉर्मड इन राजस्थान विच वॉज लेड बाय विजय सिंह पाठक, ठीक है, एंड मनेका लेड लाल वर्मा। 1927 में वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस। सभी प्रजामंडल इकट्ठे हुए। बलवंत राय मेहता फाउंडर ऑफ द प्रजामंडल इन भावनगर बिकम द सेक्रेटरी। द कॉन्फ्रेंस डिमांडेड दैट इंडियन स्टेट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द कॉमन नेशनल मूवमेंट का पार्ट होना चाहिए। देन इसी दौरान, अगर इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें प्रिंसली स्टेट्स को, मूवमेंट्स इन द प्रिंसली स्टेट्स ग्रू स्ट्रॉन्गर। प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूडेड जय नारायण व्यास एंड जमलालाल बजाज इन राजस्थान, श्रृंगारदार इन उड़ीसा, एनी मेस्करनी इन ट्रेवनकोर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इन जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद में मूवमेंट वॉज लेड बाय स्वामी रामानंद तीर्थ। द ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट्स यूज्ड टेरर टू सप्रेस दिस मूवमेंट। ओके, रिप्रेशन वॉज कंटिन्यू। प्रिंसली स्टेट देवर अनवे देवर यू नो टेरराइज प्रिंस यूज टेरर टू सप्रेस द मूवमेंट विद लीडर्स लाइक सेवा सिंह थिकवारिया डाइंग फ्रॉम द टॉर्चर। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेवा सिंह ठिकरीवाला डाइंग ऑफ द टॉर्चर। प्रिंसेस हेल्प ब्रिटिश सप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। British troops aided princely states in quelling the uprising. Princely state opposed steps towards Indian independence during the roundtable conferences. So overall result kya nikla? Overall result ye nikla, integration into the national freedom struggle.
कांग्रेस कंसिडर्ड प्रिंसली स्टेट एज पार्ट ऑफ इंडियन नेशन एडवोकेटिंग इक्वल राइट्स फॉर देयर पीपल द स्ट्रगल अगेंस्ट द प्रिंसली स्टेट्स बिकेम पार्ट ऑफ द लार्जर नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम द लेट 1930 द नेशनल लीडर बिकेम मोर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट अगेंस्ट द प्रिंसली स्टेट जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस ठीक है ओवरऑल क्या हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ किया कम्युनल डिवीजन एंड कांग्रेस पॉलिसी प्रिंसली स्टेट ट्राई टू डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइन सपोर्टिंग द कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस इनिशियली फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन बट सपोर्टेड इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन 1938 कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज वॉज फॉर द इंटायर कंट्री इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट्स एज वेल तो इसी दौरान जो है कुछ कम्युनलिज्म भी आता है वट वॉज द रोल ऑफ कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म क्यों आया दैट वॉज ब्रिटिश टैक्टिक्स फॉर द डिसयूनिटी द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकरेज कम्युनलिज्म टू वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड मेंटेन देयर रूल कम्युनलिज्म बिगेन टू स्प्रेड इन 1920 कॉजिंग टेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स ठीक है अर्ली कम्युनल टेंशन क्यों हुई रिलीजियस कन्वर्शन मूवमेंट क्रिएटेड टेंशन बिटवीन कम्युनिटी 1920 saw several communal riots leading to death of many innocent people. Efforts to curb communal tension, including conferences and Gandhiji 21 fast in 1924 to restore peace with limited long-term success. Communal riots जो है 1931 में फिर से हुए कहाँ पे हुए कानपुर में हुए जिसके रिजल्ट ये निकला there was a one person Ganesh Shankar Vidyarthi, a nationalist leader who died who was working for Hindu-Muslim unity. ऑल्दो कम्युनलिज्म को थोड़ा कम कर दिया गया था 1960 में मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वर्क टुगेदर बट देयर कॉर्पोरेशन 1924 में खत्म हो गया हिंदू महासभा एंड कम्युनल सिख लीडर्स आल्सो बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट टू द सिख्स एज वेल तो ब्रिटिश आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन फ्लेमिंग द कम्युनलिज्म हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ कम्युनल पार्टीज का क्या हुआ ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व किया ठीक है एज रादर देन सर्विंग देयर कम्युनिटी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कम्युनल पार्टीज रिमेन अलूफ एंड समटाइम कोऑपरेटेड विद द गवर्नमेंट ओके कम्युनल पार्टीज एंड द ब्रिटिश कोलैबोरेशन सम कम्युनल लीडर्स वेलकम्ड साइमन कमीशन एंड कॉल्ड एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हिंडरिंग द फ्रीडम मूवमेंट कम्युनल पार्टीज वर मोर फोकस्ड ऑन गेनिंग कंसेशन फॉर देयर कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिटिश रादर देन फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस कम्युनल पार्टीज और नेशनलिस्ट पार्टीज में डिफरेंस क्या था नेशनलिस्ट एडवोकेटेड फॉर इक्वेलिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी कम्युनल पार्टी सपोज सोशल रिफॉर्म्स एंड फोकस्ड ऑन रिप्रेजेंटिंग अपर क्लासेस ऑफ देयर कम्युनिटीज टू नेशन थ्योरी भी इसी टाइम पीरियड में आई और फाइनली मोहम्मद अली जिना ने 1940 में पाकिस्तान की डिमांड की कहाँ पे सेशन हुआ लाहौर में सेशन हुआ द थ्योरी डिनाइड द इस टू पार्ट टू नेशन थ्योरी में क्या था दे डिनाई द शेयर डेस्टनी एंड कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन इंडियन सच एज पॉवर्टी एंड इक्वेलिटी इस पर बात नहीं की गई कम्युनल पार्टीज डिस्पाइट लिमिटेड इन्फ्लुएंस अंटिल द लेट 30 मेड सिग्निफिकेंट हेडवे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड शुरू में कम्युनल पार्टीज बड़ी वीक थी लेकिन 1940s में सडनली दे बिकम वेरी पावरफुल बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है ठीक है अब हम बात करेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस की ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या है 19th सेंचुरी की रिफॉर्म मूवमेंट्स की अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट एंड अपोजिशन टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इसी दौरान टेम्पल एंट्री की मूवमेंट भी लॉन्च की गई कहाँ पे महाराष्ट्र केरला तमिलनाडु एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लीडर्स कौन कौन से थे ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार भी बोलते हैं के कलप्पन टी के माधवन इसी दौरान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी स्टार्ट की गई किसने स्टार्ट की ईवी रामास्वामी नायकर डिप्रेस क्लासेस की एसोसिएशन भी बनाई गई टू द फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस क्लासेस बी आर अम्बेडकर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस गांधी आल्सो वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट ही एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन लाइक एंटी अनटचेबिलिटी लीग रेफर्ड टू अनटचेबल्स एट हरिजन पब्लिश अ जर्नल नेम्ड हरिजन सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए अनटचेबल्स को 1932 में जिसकी अपोजिशन की गई क्योंकि इंडियंस को लगा इट्स अ डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स और बाद में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट वर रिप्लेस्ड विद दैट इज आइडिया ऑफ रिजर्वेशन और इसी दौरान देयर वाज वन मोर लीडर दैट वाज बाबू जगजीवन राम ही आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट देन व्हाट अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द वर्ल्ड
यहां पे इसी दौरान 1930s लेट 30s में इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट वर इंस्पायर्ड बाय द ग्लोबल इवेंट्स एंड द आइडियाज इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोज फॉर एग्जाम्पल दादाबाई नरोजी formed an organization in England with the help of enlightened England Englishmen. Indian leagues were set up in different areas, USA and other countries. Labour and socialist leader connected with Indian League in Britain. Key figures कौन से हैं? V.K. Krishna Menon played a crucial role in gaining British support for India's freedom. Many trade union and socialist leader came to India to assist the organizing labour and socialist movement. And of course, द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट डिड नॉट फॉस्टर हेटेड अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन डिफरेंशिएटेड बिटवीन ब्रिटिश रूलर एंड द ब्रिटिश पीपल इंटरनेशनल आउटलुक इंडियन नेशनल मूवमेंट की बहुत अच्छी थी इंडियन स्ट्रगल सीन एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी एंड सोशल इक्वालिटी एक्टिव इंटरेस्ट इन ग्लोबल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली अदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल नेहरू प्लेड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ही एडवोकेटेड ही अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशनलिस्ट इन ब्रसल इन 1927 इन्वॉल्व विद द लीग्स अगेंस्ट इंपीरियलिज्म तो नेहरू का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड अब्रॉड को अगर हम फर्दर करें सपोर्ट चाइना से बड़ी सपोर्ट मिली इंडियन नेशनलिस्ट सपोर्टेड चाइना अगेंस्ट जैपनीज इन्वेजन 1931 कॉल फॉर बायकॉट ऑफ जैपनीज गुड सेंड अ टीम ऑफ इंडियन डॉक्टर्स टू चाइना इंक्लूडिंग डॉक्टर डी वी कोटनिस्ट हु डाइड देयर इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑल्सो अपोजिशन ऑल्सो अपोज फासिज्म Awareness of the danger of fascism in Italy, Germany and Spain supported the Spanish people against the fascist with Nehru and Menon visiting Spain, condemned Western imperialistic countries for supporting fascist aggression. They also shown solidarity with the other struggle, supported Palestinian struggle for freedom, condemned Italy's invasion of Abyssinia and Hitler's occupation of Czechoslovakia. Nehru refused to meet Mussolini. Showing a strong stance against fascism. Preparation work for war. Congress warned against dangers of war and advocated ending both fascism and imperialism. When India gained independence, it supported other freedom movement as a part of its foreign policy. Then 1935 Act and Nationalist Movement. 1935 Act ki jo blueprint kahan rakha gaya tha? Round table conferences mein. Khas karke kaun si? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसका ब्लूप्रिंट रखा गया था 1935 के एक्ट में क्या अनाउंस किया गया था कब अनाउंसमेंट हुआ अगस्त में प्रपोज फेडरेशन इफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट ज्वाइन लेकिन ज्वाइन नहीं किया फेडरेशन प्रोविजंस वर नॉट इंप्लीमेंटेड डिड नॉट ग्रांट डोमिनियन स्टेटस और इंडिपेंडेंस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई फुल फ्लेज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई वोटिंग राइट्स दिए गए जो थोड़ा सा ज्यादा थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस regulations, appointment of governor general and governors remain with the British government, not accountable to the legislature. Congress ka response jo hai that was mixed 1936 mein. They repeated the demand for the Constituent Assembly. Baad mein inhone decide kiya 1937 mein participate karenge. Election hua, election manifesto focus kis pe tha? Unemployment pe aur poverty pe. 37 ke election hue, Congress won absolute majority. 11 प्रोविंसेस में से 6 में से इनको मेजॉरिटी मिली बाद में इन्होंने 3 में जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनाई मुस्लिम लीग को भी वोट मिले लेकिन कांग्रेस की मिनिस्ट्री 7 में बनी इन द 7 प्रोविंसेस ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा कांग्रेस की मिनिस्ट्री का जब यहाँ पे 1937 का इंप्लीमेंटेड यूजफुल रिफॉर्म्स इन एजुकेशन रिलीज्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स लिफ्टिंग लॉन्ग स्टैंडिंग बैन्स ऑन न्यूज़पेपर इंस्पायर्ड पीपल In Indian states suffering under autocratic rule. Overall, क्या हुआ? Some leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose opposed forming ministry. They were not interested. Influence of workers and peasant organization grew. Congress, Socialist and Communist Party influence increased. Subhash Chandra Bose 1938 में he was elected. 39 में again elected, but he resigned. और इसने एक नई पार्टी बनाई that was known as Forward Block. ग्लोबल चेंजेस एंड फाइनल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल सिग्निफिकेंट ग्लोबल चेंजेस हुई विद इन मंथ्स जिसकी वजह से आपका 1939 में क्या हुआ 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी स्टार्ट हुई सो विद दिस वी फिनिश द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ 8th क्लास एनसीईआरटी यू आर वॉचिंग हिस्ट्री चैनल दैट वॉज हिस्ट्री फॉक्स चैनल इन द कोलैबोरेशन विद तैयारी 360 थैंक यू सो मच